वो गाना सुना है ना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी हाँ, लोग तो कहते रहेंगे, अगर हम नहीं सोचते रहेंगे तो हमारे सपनों को कभी साकार ही नहीं कर पाएंगे। हर लड़की बचपन से सपना देखती है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, खुद को पैरों पर खड़े होते देखना चाहती है, अपने कोई ना कोई हॉबी होती है जिसे निखारना चाहती है, पर उनमें से कुछ ही खुशकिस्मत ऐसी होती हैं जिन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल पाती हैं शादी के बाद अपने सपनों को जीने की, उन्हें साकार करने की। राम राम सा दोस्तों, मामा किंडरगार्टन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने शादी से पहले सपने देखे थे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, पर आज उन्हें लगता है शादी के बाद में कि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई हैं कि उनके सपने कहीं धुंधले हो गए हैं और वह अपनी जिम्मेदारियों से समय नहीं निकाल सक रही हैं अपने लिए, वो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं को प्रेरित करना चाहूँगी जो सपने देखती हैं पर उनको सच करने के लिए प्रयास नहीं कर पाती। तो मेरी कोशिश है उन सभी महिलाओं को प्रेरित करने की। हम में से कई महिलाएं ऐसी होंगी जो पूरा दिन लगी रहती हैं घर के काम में, सुबह उठती हैं तब से लेके रात को सोती हैं तब तक कुछ ना कुछ चिंता करती हैं, हर किसी के लिए भागती हैं। और कई महिलाएं ऐसी होंगी जिनको ये भी सुनने को मिलता होगा कि तुम करती क्या हो दिन भर। अगर आप भी उनमें से एक हैं और अपने सपने को लेके मन में ये मलाल रखती हैं कि मैं अपना सपना सच नहीं कर पा रही हूँ, इतना उलझ चुकी हूँ, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो आज क्यों ना ये सवाल जो दुनिया आपसे कहती है कि आप करते क्या हैं, ये सवाल हम खुद ही खुद से कर लें कि हम करते क्या हैं। जी हाँ, एक पेपर लीजिए और अपने से ही ये सवाल कीजिए कि आप दिन भर में क्या करते हैं। सारा काम अपना एक पेपर पे उतार लीजिए, उसका एक समय नियोजित कर लीजिए। जब आप अपना सारा काम एक पेपर पे लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप क्या क्या काम कर सकती हैं, क्या करती हैं, और उन्हें किस तरीके से मैनेज कर सकती हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा लें और उन्हीं जिम्मेदारियों के बीच में से थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाल लें। अपनी जिम्मेदारियों से आँखें नहीं मूंदनी है हमें, पर हाँ, हमें अपने लिए वक्त निकालते वक्त ये हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद में अपने लिए टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आपको जिस पल भी ये एहसास हो गया है कि आपको अपने लिए कुछ करना है, बस वही पल सही पल है अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करने का। जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि हाँ, आपको अपने सपनों को मूर्त रूप देना है, तो अब बारी आती है अपने परिवार के सदस्यों से अपने सपने को साझा करने की। अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बताइए कि आपका सपना क्या है, आप किस दिशा में प्रयास करना चाहती हैं और उसके लिए आपको उनसे क्या मदद चाहिए। यकीन मानिए, जब आप उनसे आगे होकर मदद मांगेंगी, अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए थोड़ा वक्त अपने लिए चाहेंगी, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको सपोर्ट करने से ना करेगा। आप अपना सपना अपने परिवार के साथ साझा कर चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और आप अपनी ज़िंदगी से अपने लिए क्या चाहते हैं, तो बस अब बारी आती है अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने काम को व्यवस्थित करने का। तो जो भी आपने काम एक पेपर पे लिखा था, उन्हें पूर्ण रूप से सही ढंग से नियोजित करना है कि आप किन जिम्मेदारियों को किन समय पे निभा सकती हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी जिम्मेदारियों को बांट लीजिए। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, उन्हें आपको अपने लिए समय निकालते हुए कैसे निभाना है, उसको मैनेज कीजिए, एक टाइम टेबल तैयार कीजिए। अगर आप घर के कामों में ही उलझे रहती हैं तो कुछ स्मार्ट तरीके निकालिए, ऐसे तरीके निकालिए कि आप अपना काम को फटाफट कैसे कर पाएँ, थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएँ। बी अ स्मार्ट होम मेकर। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भरी पड़ी हैं स्मार्ट होम मेकर बनने की। मैक्सिमम यूट्यूबर्स होम मेकर्स ही हैं जो अपनी रूटीन लाइफ में से टाइम निकाल के अपने आप को प्रूव कर रही हैं, साबित कर रही हैं। जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ऐसे अनेकों मोटिवेशनल वीडियोज़ और आइडियाज़ मिल जाएंगे जिनसे आप अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अपने काम में से समय निकाल पाएंगे। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको दिन भर काम के पीछे भागने के बजाय एक स्मार्ट होम मेकर के तौर पे काम करना होगा, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत से इंस्पिरेशनल वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो हाउसवाइफ थी और उन्होंने अपने करियर को नई दिशा दी, अपने सपनों को नई उड़ान दी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा टाइम चुनिए, ऐसा समय चुनिए
जिस समय पे बच्चे आपके आसपास ना हो, या तो वो स्कूल गए हो, या तो वो सो रहे हो, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के 4 बजे या 5 बजे उठ के अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप दे दीजिए मॉर्निंग में। वो सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ाई करने का, उस समय आपका मन भी शांत होता है, तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, अपनी चीज़ों को मैनेज करने का तरीका सीखना होगा, कब किस काम को करना है। एक बार टाइम टेबल सेट कर लीजिए और कोशिश कीजिए उसको फॉलो कर पाए, उसको फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे आपको 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे किस तरीके से अपने रूटीन में से निकालने हैं, तो आप जब टाइम टेबल बना लेंगे तो आपका दिमाग उस अकॉर्डिंग ही चलेगा और आप उस हिसाब से अपना समय निकालने लग जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे अंदर ही है, दैट इज़ ओवरथिंकिंग। हम अपने आप में ही सोच लेते हैं, अपने आप में ख्यालों में ही दुनिया बना लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, बस इसी सोच में, इसी उधेड़बुन में दिन भर अपनी एनर्जी को खपाते रहते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा थाम लीजिए, विचारों को इतना आगे ना बढ़ने दीजिए और जो सारा फोकस है वो अपने सपने के पीछे लगा दीजिए। एक और ज़रूरी बात जो सभी हाउसवाइफ के लिए मैं कहना चाहूँगी, कई बार हमें लगता है कि हमें सबको खुश रखना है और हम बहुत निराश हो जाते हैं जब कोई भी हमसे दुखी होता है। तो दुनिया का ये रूल है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरीके से हम चाहकर भी पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते। हाँ, हमें इंटेंशनली कोशिश नहीं करनी है किसी को भी दुख पहुँचाने की, बट ज़रूरी नहीं ना जिस पहलू से हम सोच रहे हैं वो पहलू अगला भी सोच रहा हो। हो सकता है हमारा तरीका अगले को पसंद नहीं आ रहा हो और हम हर किसी के लिए बेस्ट हो जाएं, ऐसा दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं हुआ है, तो आपके साथ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि कोई आपके लिए क्या बुराई कर रहा है, नहीं कर रहा है। यू कैन बी परफेक्ट फॉर एवरीवन। जी हाँ, हम लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम सोचते हैं कि हम सबको खुश रख लेंगे, सब हमसे खुश रहेंगे, कोई हमारी बुराई ना करे। पर ऐसा कभी हुआ है कि कभी किसी ने किसी की बुराई ना की हो? ज़रूरी नहीं जो आपके लिए सही हो वो अगले के लिए भी सही हो, आपके नज़रिए को हर कोई समझे, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक बार मैं सभी बिंदुओं को दोहरा देती हूँ ताकि आप मेरी कई बातों को भूले ना, मिक्सअप ना हो, और जो आपका आत्मविश्वास है वो बना रहे और आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर पाएं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आपने अगर खुद में विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। दूसरी बात आती है इट्स नेवर टू लेट। यहाँ पे बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, जब भी आपने सोचा है कि आपको अपने सपने के लिए जीना है, आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात आती है अपने सपनों को साझा करने की। जी हाँ, अब तक आपने अपना सारा वक्त अपने परिवार को दिया है, उनकी हर जिम्मेदारियों को निभाया है, कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़ी रही हैं हर बुरे वक्त में, हर अच्छे वक्त में। अब बात आ रही है आपके सपनों की, तो आपको अपने परिवार से तो साझा करना होगा कि आपके सपने क्या हैं, अपने कैसे पूरा कर सकती हैं और आपको उनकी क्या मदद चाहिए। यकीन मानिए, एक बार आप कह के तो देखिए, आपका परिवार जरूर आपको सपोर्ट करेगा आपके सपनों को साकार करने में। फोर्थ बात जो आती है वो आती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को मैनेज करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए आप स्मार्ट हाउसवाइफ के तौर पर काम करें, टाइम मैनेजमेंट सीख लें, अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह से समय निकालना है ये सीख लीजिए जिम्मेदारी को निभाते हुए। अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप ऐसा समय निकालिए अपने लिए जब बच्चे आसपास ना हो, वो कहीं स्कूल गए हों, सो रहे हों, ऐसा समय आपको अपने करियर को या अपने सपनों को देना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। और इस बात को समझ लें अच्छे से कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए परफेक्ट होंगी, हम किसी न किसी के लिए इम्परफेक्ट और किसी न किसी के लिए परफेक्ट होते ही रहते हैं। हमें केवल हमारे सपनों पे आगे बढ़ना है, हमारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। वीडियो के अंत में मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी उन सभी लेडीज़ को जिनको मेरे इस वीडियो से हिम्मत मिली है अपने सपनों को फिर से जीने के लिए, प्रयास करने के लिए, जिन्होंने सोचा है और मन बनाया है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप किस विषय पे और वीडियो सीखना चाहते हैं।